डियर व्यूवर्स आपकी नानियाँ दादियाँ पुपियाँ खालाएँ चचियाँ और माएँ आपको सुनाने के लिए कहानियाँ सुनाती थी लेकिन आज का भी इतना यूथ को जगाने के लिए कहानियाँ सुनाएगी डी ए व्यूवर्स आज मेरा रिजल्ट था ऑन थर्ड मार्च 2024 और आज मैं ग्रेड फाइव का रिजल्ट था और ग्रेड सिक्स में अब मैं प्रमोट हो जाऊंगी डी ए व्यूवर्स में गई तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई ग्रेड फाइव में आप देख भी सकते हैं ये देखिए मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश और बहुत एक्साइटेड एक्साइटेड हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि क्योंकि मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई है मैं बहुत खुश भी हूँ अलांकि फ़र्ज वर्म से मैंने मेहनत की इसलिए मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई मैं अपनी टीचर्स को और अपने मामा पापा को भी बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि मेरी टीचर्स ने मुझे अच्छा सा टीच किया जिसकी वजह से मैं ये फ़र्स्ट पोजीशन ले पाई और मेरे पेरेंट्स ने बहरहाल मुझे हर तरह से फैसिलिटेट किया मुझे कोई प्रॉब्लम होता था तो वो स्टडी से रिलेटेड वो मेरी उसमें मदद करते थे और थैंक यू सो मच जिन सारे लोगों को जिन्होंने मेरी मदद की एनीवेज ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी शील्ड्स पड़ी हुई हैं एक नहीं दो नहीं बल्कि पाँच शील्ड्स देखिए एक तो ग्रेड फाइव की है बाकी आप और भी सारी शील्ड्स देख लीजिए ये देखिए ग्रेड थ्री में फ़र्स्ट पोजीशन आई है ग्रेड फोर में भी फर्स्ट और ये जो सो मैंने आपको दिखाई थी ग्रेड फाइव में भी फर्स्ट पोजीशन ही आई है तो डियर व्यूवर्स आप एक बात नोटिस करें तो ये एक ग्रेड टू की शील्ड है इसके अंदर में थर्ड पोजीशन आई है बाकी सारों के अंदर फर्स्ट और इसके अंदर थर्ड ये तकरीबन टू से लेकर टू का जो ईयर था उसकी शील्ड है उस दौरान करोना वायरस आया हुआ था और उस वक्त बहुत ज़्यादा फैल चुका था तो उस वक्त करोना वायरस के अंदर ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं और पेपर्स भी ऑनलाइन ही होते थे जब हमारे फाइनल पेपर्स का वक्त आया तो बहुत सारे बच्चों ने कैमरा बंद करके चीटिंग भी की थी लेकिन मेरे पेरेंट्स क्योंकि बहुत ईमानदार और बहुत स्ट्रिक्ट हैं शक तो नहीं आप कह सकते लेकिन काफ़ी ईमानदार हैं तो उन्होंने मुझे मना किया कि ऐसा मत करना इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया और जो क्लास के डल बच्चे ये क्लास के जो एवरेज बच्चे थे वो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के रैंक पे आ गए और मैं विद फुल हॉनेस्टी थर्ड पोजीशन पे आ गई मैं आपको एक बात बताऊँ डी व्यूवर्स पेरेंट्स को मेरा एक मैसेज है कि आप अपने बच्चों को हर हाल में चीटिंग ना करवाएं ना सिर्फ एग्ज़ाम्स में दुनिया या आपकी लाइफ का जो भी पार्ट हो उसमें आपने ईमानदारी से काम करना है चीटिंग आपने नहीं करनी या किसी भी तरह से आपने कोई गलत काम नहीं करना आपने ईमानदारी से काम करना है मेरे पेरेंट्स मुझे ये कहते हैं तुम फेल हो जाओ तो ये हमारे लिए अच्छा है लेकिन कभी चीटिंग मत करना डियर ए व्यूवर्स अब मैं आप लोगों को यही मैसेज लेना चाह रही थी कि आज जो आपने ये वीडियो देखी है उससे आपको कोई मोरल भी मिले कि आप अपने बच्चों को चीटिंग ना करवाएं या आप बच्चे चीटिंग मत करें उसके अलावा डियर ए व्यूवर्स ये तो मेरी शील्ड है उसके अलावा आज मुझे ये एक रिजल्ट कार्ड इनवेलप भी मिला था इसके अंदर देखते हैं क्या है मेरा हॉनेस्ट ओपिनियन होगा क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है मैंने सिर्फ शील्ड ही देखी है और राइट right. सबसे पहले ये है एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तो हम इसके अंदर देखते हैं ये जो है मेरा रिजल्ट है ठीक है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन भी लिखा है और ये मेरे लिए जो मैम ने कमेंट्स लिखे हैं वो भी आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये जो है मेरा रिजल्ट है और डियर व्यूवर्स अब हम देखते हैं इसके अलावा सर्टिफिकेट्स इस है। right. भी हैं देखते हैं है। ये इस चीज के हैं फर्स्ट ये देखिए ये है आई एम अ मैथमेटिशन का सर्टिफिकेट और राइट दूसरा है आई एम प्राउड ऑफ़ यू का सर्टिफिकेट मे बी हमारी टीचर ने लिखा हो द आई एम प्राउड ऑफ यू एंड थर्ड है बेस्ट इन स्पोकन एनी वेज उसके अलावा भी देखते हैं आई थिंक इसके अंदर और भी कुछ है इसके अंदर बस ये एक हमारे स्कूल का एडमिशन के लिए दिया हुआ है ये रेलिवेंट है एनी वेज ये व्यूवर्स आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को चीटिंग मत करवाइएगा आप अपनी लाइफ के हर पार्ट में ईमानदारी से काम कीजिएगा मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक के लिए अल्लाह हाफि